तो है यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साहिल और चैनल का नाम है साइन बॉय साहिल। तो गाइस बहुत रात हो रहा है 1:25, तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ, तुम लोग के साथ शेयर कर दूँ। अबे मेरा एक दोस्त जा रहा था, वो मिला अभी, तो वो मेरा हेलमेट को इसको देख के समझा कि गोप्रो, बोला कि भाई तू तो यूट्यूब करता था, मुझे लगा कि अब यूट्यूब साला बहुत बड़ा चैनल वाला बना। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है भाई, बस तिल लोग का कृपा है कि मैं थोड़े बहुत वीडियोज बना के यूट्यूब पर छोड़ता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, और कुछ नहीं बात है भाई, पैशन है, बस फॉलो कर रहा हूँ, जब तक है तब तक है। तो तुम लोग को सुनसान रास्ता का सफ़र करेंगे दोनों मिल के भाई, और दिखा देंगे कि कितना मस्त लगता है रात को सफ़र करना। और विंटर्स के टाइम में भाई ऐसे ही मज़ा आता है, क्योंकि रास्ता सुनसान रहता है और 70-80 के ऊपर गाड़ी चलता है। अभी ऑफिस से मेरा मतलब आज अटेंडेंस लेने जाना था, तो बहुत अर्जेंट थी, मैंने गया और अभी आ रहा हूँ, क्योंकि सोचा मैं वीडियोस बना लूँ। तो अभी रास्ता दिखा देता हूँ कि कितना सन्नाटा है। और मैं भाई हाईवे नहीं पकड़ा, क्योंकि मेरा गला और मेरा पैर में उनको बोला ही कि थोड़ा दर्द है भाई, मतलब इतना स्ट्रेस ले नहीं पाएंगे गाड़ी, हमको देखने से हाईवे टालने का मन करे, और गलती से अगर मेरा पैर और ज़्यादा क्रैम्प आ गया तो शायद मुझे थोड़ा ज़्यादा ही दर्द होगा, तो मैं ये नहीं करना चाहूँगा। ये देख सकते हो गाइस, वो अंकल खाना खिला रहे थे डॉगीज़ को, और देख लो मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा, 1:26 हो रहा है, और ये पुलिस जा रहा है हम लोग के पास से, पुलिस से पंगा नहीं लेने का, पुलिस डॉन होता है ये, बट ऐसा कोई नहीं है भाई, पुलिस बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जिनको हेल्प है उनको हेल्प करने आते हैं ज़रूर, अपने जान जोखिम में डाल के। अब ये देखो ये हालतू तक पहुँच गए हैं, रास्ता देखो रास्ता भाई। गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे गड्ढे उसको थोड़ा सा रिपेयर कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो गड्ढे है भाई हालत ख़राब कर देते हैं, हालत ख़राब एकदम ख़राब, समझ ही पा रहे हो। देखो ये हम लोग का छोटा नाला, बट कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मेरा तो मन कर रहा है कि एक कार ले लूँ, बट भाई मन करने से क्या होता, पैसे का भी भाई, किस किस कमेंट करना, किस किस को कार लेने का इच्छा कर रहा भाई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा भाई सपना है कि टाटा का एक कार खरीदूँ, क्योंकि टाटा का कार मेरे लिए फर्स्ट लव है भाई। मैं रतन जी टाटा को फॉलो करता हूँ ट्विटर पे, इंटरनेशनली या फिर MD मेरा वही है, उनको ही फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छे हैं, अच्छे से मतलब क्या, एकदम मतलब नेचर के भी अच्छे, और प्लस वो जो मतलब डोनेशन करते हैं, वो जो रास्ते पे चलते हैं, उनका मतलब बहुत से, अगर हम लोग को यूज़ चलने लगे उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कामयाबी मिलेगा, बट कोई चलने नहीं मांगता आज के जैसे। तो हैट्स ऑफ टू रतन जी टाटा, तेरे को काली बिल्ली रास्ता काट गई, ए बिल्ली रास्ता क्यों काटी, भाग गई। अब ये देखो तो रास्ता दिखाएंगे भाई, और गाड़ी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाने का, क्योंकि डॉगीज पीछे पड़े जाते, पिच्छू में क्या पता उनको पिच्छू में क्या पसंद है, मतलब कि ये देखो आज बहुत सी जगह जगती पूजा हो रहा था, तो वो भसान हो चुका है, तो कुछ कह नहीं सकते, बहुत बुरा लग रहा है कि गाइस सब पूजा जो हम लोग का था फेस्टिवल सब ऑफ हो चुके हैं, अब बस क्रिसमस और न्यू ईयर, फिर नया साल, फिर वही ताम झाम, फिर 1 साल के बाद पूजा आएंगे भाई, मज़ा अच्छा नहीं लगता भाई, मतलब थोड़ा तो और थोड़ा लेट तो होना चाहिए, मतलब तो ये भी भसान हो जाएगा आजकल में रास्ता का भाई, मूड देखो मूड ये जा रहे हैं। और भाई डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि एक हफ्ते कभी गाड़ी ना चलाएं, और मैं एक स्टंट ड्राइवर हूँ, मैं जो सीख चुका हूँ कि गिरते गिरते हाथ पैर तोड़वाने का कितना मज़ा आता है, तो अगर तुम लोग को भी चाहिए ये मज़ा, तो तुम लोग ज़रूर हाथ पैर को चलाना और हाथ पैर तोड़ लेना, मेरे वीडियोस को देख के बुरा मत मानना, मेरे बात तुम लोग की अच्छाई के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब चोट लगता है ठंडी के मौसम में एक घुटने में एक हाथ में, तो कैसा लगता है, आगे भी लग चुका है, तो इसका एक्सपीरियंस है मुझको। तो और कुछ बोलने का नहीं चाहूँगा भाई, तो ये देखो भाई, तो कर रहा है
क्योंकि डॉगी पिट्ठू पड़ जाते हैं भाई, और इतना ज़्यादा पिट्ठू पड़ते हैं ना मन गुस्सा में सब गुस्सा, मतलब कि गर्लफ्रेंड भी इतनी पिट्ठू नहीं पड़ती जितना कि वो कुत्ते पड़ जाते हैं। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो एक गाड़ी है और मैं रैल ड्राइविंग भाई, कोई कॉन्टेंट मत मान देना भाई, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, आपको घुमा लिया। और भाई मैंने अपने सीन ही करवाया है अपने एक्सीलेटर को, तो मेरा जो गाड़ी का थोड़ा पावर बढ़ाया है मैंने, बस तुम लोग चाहो तो करा सकते हो, बट इससे पेट्रोल का कोई खपत नहीं होता। इसका इजी तरीका बताऊंगा तुम लोग को, बड़ा अतरंगी सा है। मैंने इसको बढ़ाने का एक तरीका बताया, अगर तुम लोग को सुनना है तो मैं नेक्स्ट एक वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अभी अगर बताया तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। इसके लिए देखती हूँ मेरा चैनल, और यही वो गलती है सुपर यार। अभी यार डॉगी नहीं दिख रहे हैं, देखो भूत बंगला, ये देखो तुम लोग कभी ऐसे करके एक हाथ तोड़ के एक वीडियो बना के इतने छोटे छोटे गली में अपना मोड़ घुमा पाओगे, कमेंट करके बताना। मेरा तो आदत हो चुका है भाई, मेरा अंकल के बाइक चला चला के 1.5 साल मैंने सामान लाया अपने अंकल का दुकान से ले जाके, कितना मस्त है। मेरे लिए आप कुछ नहीं करो, कृपा है जैसे दुआ बनाए रखना मेरे लिए कि हाथ पैर ना तोड़वाऊँ, क्योंकि दर्द होता है भाई, बहुत दर्द होता है जब इंजेक्शन करते हैं ना। मेरा गाड़ी का भी मस्ती चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर वाले के दुआ तुम लोग हाथ के मतलब बहुत इतना प्रॉब्लम कर रहा है, इतना ऐसा भी लगा था कि कभी हम गाड़ी भेज देंगे अपने। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना कैसा बना वीडियो।